क्यों नजरों में ना खून लिए ये दुनिया तुझको तकती है। तेरी गलती बस इतनी है, तू लड़की है, तू लड़की है। पहलवान सुन, पापा सिर्फ दूध आएगा, आपके सिगरेट्स नहीं। दिस इज नॉट फेयर। भैया पैसे, हवा के पैसे, हवा तो फ्री है बहन चोद। अरे सुनो, कब तक आओगे? जब मूड करेगा तब आ जाऊंगा। तो एक्सपायर है। आपको क्या चाहिए भैया? अबे क्या नाम था, नम्मे भूल गए बे। बीमारी क्या है? बुखार, सर दर्द। अबे तुम ढेर लपुचक मत बनो, बता रहे बता रहे। काबे कंडोम है? नहीं भैया जी, हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी। भोसड़ी के तुम ही लोग की वजह से ना कानून बनता है बूढ़े बाप। सस्तन रहुआ, ये सब कब से पहले तूने? भैया दो पैकेट फुल क्रीम दूध देना प्लीज। आज तो कतई कह उठा रही है इन लोगों की टी-शर्ट में, पर ये 4 लीटर दूध को करेगी कहाँ? 4 पैकेट? अरे 2 ही पैकेट तो लिए भैया। क्योंकि दोस्त के पास भी तो है बैच। पहलवान, इतनी जल्दी? पापा ऑफिस में काम है आज। अच्छा एक बात तो बताती जा, तेरा आज का दिन कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा या फिर बहुत बुरा होगा? मैंने तो तेरी माँ से शर्त भी लगाई है, आज सड़के खराब होगा। एंड यू नो व्हाट शी सेड? बहुत खराब होगा। आप भी ना पापा। ठीक है चलो मैं जा रही हूँ। हाँ और हाँ, सिगरेट्स। घर हो या बाहर, बस चुप रहना मुझे सिखाया जाता है। देख ब्रो, तू कब तक ये सब अकेली सहती रहेगी? अपने हक के लिए ना तुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। अच्छा सुन, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता दियो। हाँ मुंह ना खोलूं, कुछ ना बोलूं, पाठ दिन रात यही पढ़ाया जाता है। पर जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों में मैं हूं, तो फिर क्यों ये सब मुझे ही रटाया जाता है? Thank you.
चाय पिया करो दोस्तों, इसी बहाने देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिलेगा। हाँ मिट्टी खाएगा रे बेचारा। ले ले धीके सोटा। इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम वो चाय पिला रहा है। चल ठंडा पिला। धर ले अपने ठंडे। बावड़े गर्मी तो निकल गई। सुन भाई, तू पेट्रोल भरा कर क्यों गाड़ी में? ओ चूतिया, ये गाड़ी डीजल की है। तू आसमान कर लेगा ना? तुमको क्या हमको गंडवा समझे अबे? चीते की चाल बाज की नजर, बाजीराव की तलवार। बिहारी को बात में कभी संदेह नहीं करते, वरना कभी भी आपको ले सकती है। तो कल का डन करे। डन। अरे भाई पूरी प्लानिंग तो मेरी थी यार, समझ नहीं रहा यार बात। 15 दिन से पहले हम पीछे, बोला किसने था? मैंने। आपस में लड़ना बंद करो। अगर थारा भाई गाड़ी लेकर ना आता तो लौंडिया का बाइक के साइलेंसर बैठा के ले जाते। पहले थारा भाई जाएगा। हम पांडे जी का लौंडे हैं, ना झूठा खाते हैं ना झूठा उठाते हैं। पहले हम जाएंगे। दोस्त का झूठा झूठा नहीं होता, समझ में आ रहा है? पूरी प्लानिंग मेरी थी बैंचो। भाई सुन, अरे वो सब नहीं होगा, पहले हम जाएंगे। सुन, पहली बार
जाने दे प्लीज, 5 मिनट में आ जाऊंगा, 5 मिनट में आ जाऊंगा, 2 मिनट में आ जाऊंगा बे। अरे जाने दे यार दोस्त है, ठीक है ठीक है, जा जा। और सुन झंडे गाड़ का ये पक्का पक्का, चल निकल। ताकत तुम जैसी लौंडियन पर अच्छी लगती, हम जैसे लौंडियन लगे, चल। तुम्हें क्या लगा एक लड़की है, अकेली है, उसका जीना हराम कर दो, उसको घर से मत निकलने दो, उसको उसके तरीके से जिंदगी मत जीने दो। घर रहे तो घर वालों की जरूरतें पूरी करें, बाहर जाए तुम जैसे हरामियों से खुद को बचाएं, मेट्रो में बस में भीड़ के नाम पर तुम्हारी हवस का शिकार हो जाएं, ऑफिस जाए तो प्रमोशन के नाम पर बॉस का बिस्तर गर्म करें। मैं लड़की हूं हरामखोर, मेरा कोई सेक्स टॉय नहीं हूं, जब चार टांगों के बीच में दबोए और चाचा उछाल दिया। एक औरत से तुम्हारा मन नहीं भरता ना, तुम्हें तो हर रोज नहीं चाहिए, और वो जो तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही है ना, अगर वो भी ऐसी हो गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, और हो सकता है कि तुम्हारे जीने की इच्छा भी खत्म हो जाए। हरामखोर, एक तो बिहारी ऊपर से क्यूट, तेरी तुम लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? मैं सब जानती थी, एक लड़की ऑफिस से अगर लेट घर जा रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदचलन है, हो सकता है कि वो अपना कोई अधूरा सपना पूरा करना चाहती हो, जिसे तुम जैसे लोग कभी पूरा होने नहीं देते। लेकिन अब हर लड़की को अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, और तुम जैसे लोगों का मुंह खुलने से पहले ही बंद करना होगा।
समय बेटा। पहलवान जी कैसा क्या आज का दिन ना पापा बहुत खराब गया।